गुड मॉर्निंग दोस्तों, मैं नितेश ठाकुर स्वागत करता हूं आप लोगों का हमारे आज के करंट अफेयर्स में, जहां पर हम डिस्कस करेंगे हमारे आज के करंट अफेयर्स। दोस्तों, करंट अफेयर्स में हमारी पहली न्यूज फिनलैंड में भारत के नए राजदूत की नियुक्ति से संबंधित है। दोस्तों, वर्तमान में विदेश मंत्रालय में संयुक्त सचिव के पद पर कार्यरत 1995 बैच के IFS अधिकारी रवीश कुमार को फिनलैंड में भारत का नया राजदूत नियुक्त किया गया है। दोस्तों, रवीश कुमार फिनलैंड में भारत के वर्तमान राजदूत वानी राव की जगह लेंगे। दोस्तों, यहाँ पर यदि फिनलैंड की बात की जाए तो फिनलैंड एक नॉर्डिक देश है। इसकी पश्चिमी सीमा में स्वीडन, पूर्वी सीमा में रूस और उत्तर में नॉर्वे स्थित है। फिनलैंड की यदि राजधानी की बात की जाए तो फिनलैंड की राजधानी है हेलसिंकी। फिनलैंड के प्रधानमंत्री हैं सना मारिन और फिनलैंड की मुद्रा है यूरो। दोस्तों, हमारी अगली न्यूज कुवैत में भारत के नए राजदूत की नियुक्ति से संबंधित है। दोस्तों, वर्तमान में स्विट्जरलैंड में भारत के राजदूत के रूप में कार्यरत वर्ष 1993 बैच के IFS अधिकारी सीवी जॉर्ज को कुवैत में भारत के अगले राजदूत के रूप में नियुक्त किया गया है। दोस्तों, सीवी जॉर्ज कुवैत में भारत के वर्तमान राजदूत के जीवा सागर का स्थान लेंगे। दोस्तों, यहां पर यदि कुवैत की बात की जाए तो कुवैत पश्चिमी एशिया में एक संप्रभु देश है, जिसकी उत्तरी सीमा में सऊदी अरब और उत्तर पश्चिम में इराक स्थित है। दोस्तों, कुवैत एक संवैधानिक राजशाही व्यवस्था वाला देश है, जिसकी राजधानी कुवैत सिटी है। और दोस्तों, यदि कुवैत के वर्तमान अमीर की बात की जाए तो कुवैत के वर्तमान अमीर हैं सबाह अहमद अल सबाह, जबकि वर्तमान प्रधानमंत्री हैं सबाह खालिद अल सबाह और कुवैत की मुद्रा है कुवैती दीनार। दोस्तों, हमारी अगली न्यूज ब्रिटेन में भारत की अगली उच्चायुक्त की नियुक्ति से संबंधित है। दोस्तों, हाल ही में गायत्री आई कुमार को ब्रिटेन में भारत की अगली उच्चायुक्त के रूप में नियुक्त किया गया है। वह वर्तमान में बेल्जियम के लग्जमबर्ग के ग्रैंड डची और यूरोपीय संघ में भारत के राजदूत के रूप में सेवारत हैं। दोस्तों, गायत्री आई कुमार वर्ष 1986 बैच के IFS अधिकारी हैं, जो यूनाइटेड किंगडम में भारत की अगली उच्चायुक्त होंगे और रुचि घनश्याम की जगह लेंगी। दोस्तों, यहां पर यदि बात की जाए यूनाइटेड किंगडम की तो यह एक विकसित देश है और इसके अंतर्गत मुख्य रूप से ग्रेट ब्रिटेन, उत्तरी आयरलैंड और स्कॉटलैंड को शामिल किया जाता है। दोस्तों, इसकी राजधानी लंदन है और वर्तमान में यहाँ पर संसदीय लोकतंत्र एवं संवैधानिक राजशाही शासन व्यवस्था है। वर्तमान में ब्रिटेन की महारानी है एलिजाबेथ द्वितीय और ब्रिटेन के प्रधानमंत्री हैं बोरिस जॉनसन, जबकि ब्रिटेन की मुद्रा है पाउंड स्टर्लिन। दोस्तों, हमारी अगली न्यूज पपुआ न्यूगिनी में भारत के अगले उच्चायुक्त की नियुक्ति से संबंधित है। दोस्तों, वर्तमान में विदेश मंत्रालय में संयुक्त सचिव के रूप में कार्यरत सुशील कुमार सिंघल को स्वतंत्र पपुआ न्यूगिनी में भारत का नया उच्चायुक्त नियुक्त किया गया है। दोस्तों, सुशील कुमार सिंघल स्वतंत्र राज्य पपुआ न्यूगिनी में भारत के वर्तमान उच्चायुक्त विजय कुमार का स्थान लेंगे। दोस्तों, यहां पर यदि पपुआ न्यूगिनी की बात की जाए तो पपुआ न्यूगिनी दक्षिण पश्चिमी प्रशांत महासागरीय क्षेत्र में इंडोनेशिया के निकट स्थित एक द्वीपीय देश है, जिसकी राजधानी है पोर्ट मॉरिसबी। पपुआ न्यूगिनी के वर्तमान सम्राट हैं एलिजाबेथ द्वितीय, जबकि यहाँ के प्रधानमंत्री हैं जेम्स मरापे और पपुआ न्यूगिनी की मुद्रा है पपुआ न्यूगिनी कीना। आइए दोस्तों, अगली बात कर रहे हैं वन ईयर ऑफ मोदी 2.0 टॉवर्स ऑफ सेल्फ रिलायंट इंडिया नामक ई बुकलेट की। दोस्तों, हाल ही में मोदी सरकार के दूसरे कार्यकाल की उपलब्धियों पर प्रकाश डालने के लिए सूचना और प्रसारण मंत्रालय द्वारा वन ईयर ऑफ मोदी 2.0 टॉवर्स ऑफ सेल्फ रिलायंट इंडिया नामक ई बुकलेट जारी की गई है। दोस्तों, इस ई बुकलेट में मोदी सरकार के दूसरे कार्यकाल की उपलब्धियों को इंगित किया गया है। यह सरकार के दूसरे कार्यकाल की पहली वर्षगांठ का प्रतीक मानी जा रही है। दोस्तों, किताब में मोदी सरकार की दूसरे कार्यकाल की जिन उपलब्धियों को मुख्य रूप से शामिल किया गया है वे हैं धारा 370 उन्मूलन, अयोध्या राम मंदिर मुद्दे का निपटारा, ट्रिपल तलाक का अपराधीकरण, बोडो समझौता, नागरिकता अधिनियम में संशोधन, COVID-19 महामारी से लड़ने के लिए भारत सरकार के द्वारा की गई कार्रवाइयाँ और इस दौरान आर्थिक गिरावट से निपटने के लिए भारत सरकार के द्वारा किए गए प्रयास, अमेरिका में हाउडी मोदी कार्यक्रम, गुजरात में नमस्ते ट्रंप कार्यक्रम, मामल्लपुरम में मोदी शी जिनपिंग शिखर सम्मेलन। और इसके अलावा किताब में मोदी सरकार के द्वारा हाल ही में जारी किए गए 20 लाख करोड़ रुपये के राहत पैकेज पर भी प्रकाश डाला गया है, जो अर्थव्यवस्था को बढ़ावा देने के लिए घोषित किए गए हैं और भारत की GDP का लगभग 10% हिस्सा है।
आइए दोस्तों बात कर रहे हैं स्वदेश यानी स्किल्ड वर्कर्स अराइवल डेटाबेस फॉर एम्प्लॉयमेंट सपोर्ट प्रोग्राम की। दोस्तों हाल ही में इस प्रोग्राम को नागरिक उड्डयन मंत्रालय, विदेश मंत्रालय और कौशल विकास मंत्रालय ने मिलकर आरंभ किया है। दोस्तों प्रोग्राम का मुख्य उद्देश्य वंदे भारत मिशन के अंतर्गत विदेशों से लौट रहे भारतीयों को देश में ही रोजगार उपलब्ध करवाना है। दोस्तों प्रोग्राम के तहत विदेशों से भारत लौट रहे लोगों का डेटाबेस तैयार किया जा रहा है कि वे किस कार्य में निपुण हैं, और इस डेटाबेस के आधार पर स्वदेशी और विदेशी कंपनियों की मांग के अनुरूप उन्हें भारत में ही रोजगार उपलब्ध करवाया जाएगा। दोस्तों योजना के अंतर्गत विदेशों से लौट रहे भारतीयों को योजना का लाभ लेने के लिए www.nsdcindia.org/swadeshi वेबसाइट पर जाकर ऑनलाइन स्वदेशी कार्ड भरना होगा। इसके बाद उनकी जानकारी कंपनियों के साथ साझा की जाएगी और उन्हें उनकी क्षमता के अनुसार रोजगार के अवसर मुहैया करवाए जाएंगे। दोस्तों योजना की शुरुआत 30 मई को की गई थी और 30 मई से लेकर अब तक योजना के अंतर्गत लगभग 7,000 फॉर्म भरे जा चुके हैं। दोस्तों यदि वर्तमान समय में बात करें हमारे कौशल विकास और उद्यमिता मंत्री की तो वे हैं महेंद्र नाथ पांडे। नागरिक उड्डयन मंत्रालय के राज्य मंत्री हैं हरदीप सिंह पुरी और हमारे विदेश मंत्री हैं एस जयशंकर। दोस्तों हमारी अगली न्यूज फिल्मकार वसु चटर्जी के निधन से संबंधित है। दोस्तों हाल ही में फिल्म मेकर और स्क्रीन प्ले राइटर वसु चटर्जी का 93 साल की उम्र में निधन हो गया है। वसु चटर्जी को बॉलीवुड में वसुदा के नाम से पुकारा जाता था। उन्हें छोटी सी बात और रजनीगंधा जैसी फिल्मों के लिए जाना जाता था। इसके अलावा उन्होंने दो प्रसिद्ध टीवी धारावाहिकों व्योमकेश बख्शी और रजनी का भी निर्देशन किया था। वर्ष 1992 में उनकी फिल्म दुर्गा के लिए उन्हें परिवार कल्याण के लिए सर्वश्रेष्ठ फिल्म का राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार भी मिला था। दोस्तों वसु चटर्जी हिंदी फिल्म जगत के अतिरिक्त बंगाली सिनेमा में भी प्रसिद्ध रहे। बंगाली सिनेमा में उनकी कुछ प्रमुख कृतियां थीं खट्टा मीठा, उस पार, चित चोर, बातों बातों में और पिया का घर। दोस्तों अगली बात कर रहे हैं डेयरी किसान क्रेडिट कार्ड अभियान की। दोस्तों हाल ही में भारत सरकार ने लगभग 1.5 करोड़ डेयरी किसानों को किसान क्रेडिट कार्ड उपलब्ध कराने के लिए इस अभियान की शुरुआत की है। अभियान किसानों के लिए प्रधानमंत्री के आत्मनिर्भर भारत पैकेज का अंग है। इस अभियान के तहत भारत सरकार अगले 2 महीने के भीतर यानी 1 जून से 31 जुलाई 2020 तक लगभग 1.5 करोड़ डेयरी किसानों को किसान क्रेडिट कार्ड प्रदान करेगी। किसान क्रेडिट कार्ड दुग्ध संघों और दुग्ध उत्पादक कंपनियों से जुड़े डेयरी किसानों को प्रदान किया जाएगा। दोस्तों मोदी सरकार का यह कदम अर्थव्यवस्था की हाल की मंदी से पीड़ित किसानों के हाथों में 5,00,000 करोड़ रुपए की अतिरिक्त नकदी प्रदान करेगा। दोस्तों यहाँ पर यदि किसान क्रेडिट कार्ड की बात की जाए तो भारत ने किसान क्रेडिट कार्ड योजना की शुरुआत अगस्त 1998 में तत्कालीन वित्त मंत्री यशवंत सिन्हा के द्वारा की गई थी। इस योजना के अंतर्गत किसानों को कम ब्याज दरों पर कर दिया जाता है। दोस्तों किसान क्रेडिट कार्ड के अंतर्गत किसानों को 50,000 रुपये से लेकर 3,00,000 रुपये तक का कर्ज दिया जाता है, जिसकी ब्याज दर 6 माह तक 4% और 1 साल के लिए लगभग 7% तक होती है। दोस्तों हमारी अगली न्यूज भारतीय उद्योग परिसंघ यानी कन्फेडरेशन ऑफ इंडियन इंडस्ट्री से संबंधित है। दोस्तों हाल ही में कोटक महिंद्रा बैंक के MD और CEO उदय कोटक ने वर्ष 2020-21 के लिए भारतीय उद्योग परिसंघ के अध्यक्ष के रूप में पदभार संभाल लिया है। दोस्तों उनकी भारतीय उद्योग परिसंघ के अध्यक्ष के रूप में नियुक्ति किर्लोस्कर सिस्टम के अध्यक्ष और MD विक्रम किर्लोस्कर की जगह की गई है। दोस्तों यदि यहाँ पर बात की जाए कन्फेडरेशन ऑफ इंडियन इंडस्ट्री की तो यह भारत की एक गैर सरकारी, गैर लाभकारी और साथ ही साथ उद्योगों का नेतृत्व करने वाली और उद्योगों का प्रबंधन करने वाली शीर्ष संस्था है। दोस्तों इसकी स्थापना वर्ष 1895 में की गई। इसका मुख्यालय नई दिल्ली में है और अब इसके प्रमुख हैं उदय कोटक। दोस्तों अगली बात कर रहे हैं कृष्णेंदु मजुमदार की। दोस्तों टेलीविजन निर्माता एमी पुरस्कार विजेता कृष्णेंदु मजुमदार को ब्रिटिश एकेडमी ऑफ फिल्म एंड टेलीविजन आर्ट्स का नया अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। कृष्णेंदु मजुमदार पहले अश्वेत हैं जिन्हें बाफ्टा के 73 साल के इतिहास में अध्यक्ष चुना गया है। वह वर्तमान समय में बाफ्टा के अध्यक्ष पिप्पा हैरिस की जगह लेंगे।
पिप्पा हैरिस बाफ्टा में अब डिप्टी चेयरपर्सन के रूप में अपनी सेवाएं जारी रखेंगे। दोस्तों यहां पर यदि ब्रिटिश एकेडमी फिल्म पुरस्कार यानी बाफ्टा की बात की जाए तो इन पुरस्कारों को सर्वप्रथम वर्ष 1947 में प्रदान किया गया था। बाफ्टा पुरस्कार अमेरिका के ऑस्कर पुरस्कार के समकक्ष है। सन 2008 से बाफ्टा पुरस्कारों का आयोजन लंदन के रॉयल ओपेरा हाउस में किया जाता है। दोस्तों अगली बात कर रहे हैं पीएम स्वनिधि योजना की। दोस्तों पीएम स्वनिधि योजना अर्थात पीएम स्ट्रीट वेंडर्स आत्मनिर्भर निधि योजना, दोस्तों हाल ही में इस योजना को आवास और शहरी मामलों के मंत्रालय के द्वारा आरंभ किया गया है। यह एक विशेष माइक्रो क्रेडिट सुविधा योजना है। योजना के तहत स्ट्रीट वेंडर्स को किफायती ऋण उपलब्ध करवाए जाएंगे ताकि वे अपने ठप्प पड़े कार्य को फिर से आरंभ कर सकें और आजीविका के लिए आय जुटा सकें। दोस्तों योजना के तहत लगभग 50 लाख से अधिक लोगों को लाभान्वित मिलने की उम्मीद है, जिसमें फेरी वाले, ठेले वाले और रेहड़ी वाले आदि शामिल हैं। पीएम स्वनिधि योजना के तहत स्ट्रीट वेंडर्स 10,000 रुपये तक के कार्यशील पूंजी ऋण का लाभ उठा सकेंगे, जो उन्हें एक वर्ष के कार्यकाल में मासिक किस्तों में चुकाना होगा। इस योजना को सभी तक पहुंचाने के लिए वेब पोर्टल, मोबाइल ऐप के साथ साथ एक डिजिटल प्लेटफॉर्म भी विकसित किया जाएगा। दोस्तों हमारे आज के करंट अफेयर्स यहीं पर समाप्त होते हैं। कल तक के लिए नमस्कार।